नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। कोरोना के इस भीषण त्रासदी में कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्रों में अपनी जनता की मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो चुनाव जीतने के बावजूद अपने क्षेत्रों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक लोकसभा क्षेत्र है पटना का, पटना साहिब। इसके सांसद हैं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने पीक पकड़ा, ये महोदय अपने क्षेत्र से ही गायब हो गए। लेकिन एक महीने एक दिन बाद वो पटना पहुंचते हैं, कुछ अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और फिर दिल्ली रवाना हो जाते हैं। बड़ा सवाल यही उठता है कि जब मीटिंग ही करनी थी तो पटना क्यों आए? ये तो दिल्ली से भी आप कर सकते थे। लेकिन रविशंकर प्रसाद का कहना था कि वो पटना में जो अस्पताल हैं उनका निरीक्षण करना चाहते थे, डीएम ने उन्हें आदेश नहीं दिया। उनका कहना था कि लॉकडाउन का समय है, आप अस्पतालों में मत जाइए, इसलिए डीएम साहब का सलाह मानते हुए हम अस्पतालों में नहीं गए। अब लोकसभा सांसद पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद पटना आए भी थे, इसकी भी जानकारी तब मिली जब उन्होंने खुद एक प्रेस रिलीज की। पटना के लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि रविशंकर प्रसाद पटना आए हुए हैं। उनकी प्रेस रिलीज की शुरुआत भी ऐसे लगता है जैसे संयमित रूप से अपना बचाव करते हुए लिखा गया है। वो लिखते हैं, श्री रविशंकर प्रसाद केंद्रीय विधि व न्याय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री भारत सरकार आज अपने क्षेत्र के दौरे पर थे और उनकी बहुत इच्छा थी कि वे स्वयं पटना के कुछ अस्पतालों का निरीक्षण करें, वैक्सीन केंद्रों में जाएं और सामुदायिक किचन का जाकर निरीक्षण करें। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा उनको ये सलाह दी गई कि लॉकडाउन के नियमों के कारण उनका स्वयं जाकर निरीक्षण करना उचित नहीं होगा। जाहिर है रविशंकर प्रसाद की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा जा रहा था कि वे अपने संसदीय क्षेत्र पटना में कोरोना से त्राहिमाम कर रहे लोगों से इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि पटना के जिला अधिकारी ने उन्हें मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि जिला अधिकारी का कहना था कि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में आप अस्पतालों का निरीक्षण नहीं कीजिए। यह प्रेस रिलीज जारी किया गया है पटना साहिब से लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद का, और तब जाकर लोगों को इसकी जानकारी हुई, हमें इसकी जानकारी हुई कि पटना साहिब के सांसद अपने क्षेत्र में भी आए थे, एक दिन रुके और फिर दिल्ली चले गए। तो ये हाल है बिहार का और बिहार के कुछ सांसदों का। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया है, क्या कुछ कह रहे हैं आप उन्हें सुन लीजिए। आज मैं पटना लोकसभा क्षेत्र में आया था, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण करूं, जो कम्युनिटी किचन केंद्र बने हैं वहां जाऊं और जो वैक्सीन सेंटर हैं वहां भी जाकर देखने की इच्छा थी और उसीलिए मैं पटना आया भी था। लेकिन प्रशासन की ओर से मुझे सलाह दी गई कि चूंकि लॉकडाउन है अतः मेरा जाना उचित नहीं होगा। अभी मुझे ये सलाह माननी पड़ी। इसके बाद मैंने अपने सारे विधायक पटना के और पटना के जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के साथ बहुत ही व्यापक समीक्षा की और आज मैंने प्रशासन को स्पष्ट बताया है कि जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उनमें और तेज गति लाई जाए, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, जो टेस्टिंग है उसकी रिपोर्ट 48 घंटे में अवश्य मिलना चाहिए और जितने अस्पताल में बेड हैं, जितने खाली हैं, कितने आईसीयू हैं, कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, ये भी जनप्रतिनिधि और जनता को अवश्य बताना चाहिए। मैंने पटना के कलेक्टर से ये भी स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए 2 महीने का राशन फ्री किया है, बिहार सरकार ने किया है, तो ये पूरा राशन लोगों को मिले मुफ्त, इसकी विशेष व्यवस्था की जाए। साथ ही जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उसकी उपलब्धता भी होनी चाहिए, ये बात को बहुत ही विशेष रूप से कहा। और पटना के श्मशान घाट पर जो विद्युत शवदाह गृह है वो ठीक ठाक चलें,
इसका भी मॉनिटरिंग प्रभावी रूप से होना चाहिए। इस चर्चा के अलावे मैंने ये भी सूचित किया कि मुझे डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कल ही यह बताया दिल्ली में कि पटना में मेदांता अस्पताल अगले हफ्ते से कोविड के इलाज के लिए शुरू हो जाएगा और मेरे प्रयास से आईजीएमएस शेखपुरा पटना में 100 बेड के लिए एक डेडिकेटेड ऑक्सीजन संयंत्र बहुत जल्द स्थापित किया जाएगा और साथ ही मेरे प्रयास से लगभग 75 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पटना में जो हमारे छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं और बाकी की उपलब्धता के लिए ताकि जनता को उससे सहूलियत हो इसकी मैं व्यवस्था करा रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र की जनता के प्रति हमेशा सजग हूं और रहूंगा और उनकी चिंता कम से कम हो इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।